हेलो फ्रेंड, मैं हूं उमेश बंजारे और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन इन सी। तो चलिए देखते हैं ये फंक्शन होता क्या है। अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब फंक्शन ऐसे स्टेटमेंट्स के समूह होते हैं जिसकी सहायता से कोई विशेष टास्क परफॉर्म किया जाता है ना। जैसे मान लो आपको दो नंबर्स को जोड़ना है, ठीक है, तो आप फंक्शन की सहायता से स्टेटमेंट लिख सकते हैं दो नंबर्स को जोड़ने के लिए और उसको प्रोग्राम में बार बार कॉल कर सकते हैं, बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन सी में बेसिकली दो कैटेगरी में यूज किया जाता है ना। पहला है आपका लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है, और दूसरा है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि सी के लाइब्रेरी में पहले से बना बुनाया रखा रहता है, बना बुनाया पड़ा रहता है, जिसको हम हमारे सुविधा के अनुसार अपने प्रोग्राम में उपयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा जो आपका फंक्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसको प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। मतलब कोई प्रोग्रामर जब प्रोग्राम बनाता है तो अपनी सुविधा अनुसार आप वहां पे फंक्शन बना सकता है, जिसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन के एग्जाम्पल जैसे आपका स्कैन एफ, गेट सी एच है ना, सी एल आर एस सी आर, प्रिंट एफ, ये क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन है। इसको आपको पहले से डिक्लेयर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपने प्रोग्राम में अपने सुविधा अनुसार यूज कर सकते हैं। दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसका एग्जाम्पल है जैसे आपका बढ़िया एग्जाम्पल है मेन, जो कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाता है। इसके अलावा आप अपने सुविधा अनुसार बना सकते हैं फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शंस को यूज करने के तीन तरीके हैं। मतलब आपके प्रोग्राम में फंक्शन को हम तीन स्टेप्स में उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स क्या क्या होता है, तो पहला जो स्टेप्स है वो है फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है उसको बोलते हैं फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल। और तीसरा जो स्टेप है उसको कहते हैं फंक्शन डिफिनेशन, फंक्शन डिफिनेशन, ठीक है। तो तीन चरणों से हो करके एक फंक्शन कंप्लीट होता है। चलिए वन बाय वन देखते हैं इसको, ये क्या होते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब यहाँ पे हम जिस फंक्शंस को हम यूज करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, उसको सबसे पहले हमको डिक्लेयर करना पड़ता है। मतलब हमको कंपाइलर को बताना पड़ता है कि हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, फंक्शन का नाम क्या है, ठीक है, और उसका फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है और फंक्शन का पैरामीटर क्या है, ठीक है। तो इसमें हम जैसे फंक्शन का नेम, ठीक है, फंक्शन का नेम, रिटर्न टाइप, ठीक है, और पैरामीटर लिस्ट, इतना हम क्या करते हैं कंपाइलर को हम बताते हैं, ठीक है। और इसको फंक्शन डिक्लेरेशन को ही हम फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं, ठीक है। इसकी सहायता से कंपाइलर को पता चल जाता है कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का टाइप क्या है, उसका रिटर्न टाइप क्या है और उसमें कितने पैरामीटर लिस्ट हैं, ठीक है, कितने आर्गुमेंट वो लेंगे, ठीक है। उसके बाद फंक्शन कॉल, मीन्स हम यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है उसको मेन फंक्शन में कॉल करते हैं, ठीक है। तो इसको इसका सिंटैक्स है, यहाँ पे आप सिंपल क्या करते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं, ठीक है, फंक्शन का नाम देते हैं और वहां पे फंक्शन के जो है कोष्टक में उसमें आप पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर यहाँ पे देते हैं, ठीक है, पैरामीटर, और यहाँ पे सेमीकोलन। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, वहां पे अपने जो फंक्शन है उसको आप कॉल कर सकते हैं। फंक्शन डिफिनेशन एक्चुअल फंक्शन बॉडी होता है, जहां पे जो आपका फंक्शन है वो क्या काम करेगा वो उसको आप वहां पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो चलिए फंक्शन डिफिनेशन का सिंटेक्स देख लेते हैं, कैसे वो डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंटेक्स में हम देखते हैं,
ठीक है, फंक्शन टाइप, फंक्शन का टाइप क्या है, उसके बाद फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम, ठीक है, और यहां पे पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर लिस्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग ब्रेस, ओपनिंग ब्रेस, और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, और यहाँ पे आपका फंक्शन क्लोज होता है, ठीक है। ऊपर वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं फंक्शन हेडर, फंक्शन हेडर कहते हैं, ठीक है, और यहां से यहां तक, ठीक है, उसको बोलते हैं फंक्शन बॉडी, ठीक है, फंक्शन बॉडी। तो ये फंक्शन डेफिनेशन का सिंटेक्स है, ठीक है। चलिए अब इसको प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं, है ना, एक प्रोग्राम बनाते हैं उसके माध्यम से हम इनके स्टेप्स को समझते हैं, ठीक है। चलिए सबसे ऊपर में हेडर फाइल रहता है, हैज इंक्लूड stdio.h, उसके बाद सेकंड हेडर फाइल हैज इंक्लूड conio.h, उसके बाद फिर हमारा फंक्शन, फंक्शन का प्रोटोटाइप int myfun int int, ठीक है, इसके बाद मेन फंक्शन राइट मैन ओपनिंग ब्रेस, और ये है आपका ये वाला फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। यहां पे हम इंट दो वेरिएबल ले रहे हैं ए और बी, ठीक है, ए में कुछ वैल्यू स्टोर करके रख दे रहे हैं जैसे कि 10, और बी में वैल्यू स्टोर करके रख दे रहे हैं जैसे कि 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, दूसरा स्टेप प्रिंट एफ और फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन क्या है माई फन, ठीक है, और उसके अंदर में हम एक्चुअल पैरामीटर पास करेंगे ए और बी को, ठीक है, सेमी कॉलन, उसके बाद इधर आपका गेट सी एच, ठीक है, ये आपका मेन फंक्शन कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप है फंक्शन डिफिनेशन, चलिए स्टार्ट करते हैं, इंट माई फन, और यहाँ पे इंट एक्स इंट वाई ओपनिंग ब्रेस, उसके बाद रिटर्न एक्स प्लस वाई, ठीक है, और ये आपका फंक्शन डेफिनेशन कंप्लीट। ये क्या है आपका, ये आपका फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से एक फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ऊपर में हेडर फाइल, उसके बाद ये है आपका इंट माई फन, है ना, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसका जिसको हम डिक्लेयर किए हैं ग्लोबली, उसके बाद वाइड मैन, उसके बाद इंट दो वेरिएबल लिए हैं ए और बी, उसमें वैल्यू स्टोर किए हैं ए, ए में 10, बी में 20, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं, उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, ये है आपका फंक्शन कॉल, ठीक है, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और जो वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसको हम प्रिंट की सहायता से क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गेट सी एच, ठीक है, ये आपका मेन फंक्शन कंप्लीट, और यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है, जो फंक्शन हम डिक्लेयर किए हैं उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, इंट माई फन, इंट एक्स और इंट वाई पैरामीटर ले रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके कोष्टक में हम एक्स और वाई को एड करके वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, मतलब ये फंक्शन आपका एक वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या, एक्स प्लस वाई के रिजल्ट को, है ना, रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सी में फंक्शन काम करता है।